नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, उसमें मैंने रोल ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था। और सेकंड में अब आपको पढ़ा रही हूँ रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री। उसमें सबसे पहले मैं डेयरी को स्टार्ट करती हूँ। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में किस तरीके से बैक्टीरिया का हेल्प मतलब काम होता है, वो किस तरीके से हेल्प करता है डेयरी प्रोडक्ट्स को बनने में। जितने भी बटर और चीज़ मार्केट में मिलते हैं, इन सब में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मार्केट में जितने भी अमूल सरस के जो बटर और चीज़ मिलते हैं, इनमें बैक्टीरिया अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकंड, अगर हम बात करें कि मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, तो हम बचपन से पढ़ के आते हैं कि जो कर्ड है वो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, उसके हेल्प से जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। इसके टू स्टेप हैं। अगर पहला स्टेप देखें तो लैक्टोज शुगर जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, वो फर्मेंटेड होता है किस में? ग्लूकोज में। किस एंजाइम की हेल्प से? लैक्टोज की हेल्प से। लैक्टोज एंजाइम है, उसकी हेल्प से जो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर है वो फर्मेंट होता है ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोज। किस में फर्मेंट हुआ? ग्लूकोज में। कौन हुआ? लैक्टोज शुगर हुआ। किस में प्रेजेंट था? मिल्क में प्रेजेंट जो लैक्टोज शुगर था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ लैक्टोज एंजाइम। ये जो लैक्टोज एंजाइम है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट जो होता है वो इसे सीक्रेट करता है। यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज एंजाइम को प्रोड्यूस सीक्रेट करता है, और यही एंजाइम जो है वो लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, किसमें हमारे क्या बना? ग्लूकोज बना। यही जो ग्लूकोज होता है, आगे जो ग्लूकोज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड में। कौन से एसिड में? लैक्टिक एसिड में। यही लैक्टिक एसिड आगे मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कोगुलेट करता है। प्रोटीन होता है कैसिन। कैसिन प्रोटीन को क्या करता है? कोगुलेट करता है और कर्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या बना लेता है? कर्ड। यानी कि लैक्टोज शुगर जो है, जो मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज शुगर, फर्मेंट हुआ ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोज एंजाइम विच इज सीक्रेटेड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देन दिस ग्लूकोज विच इज फर्मेंटेड बाय द लैक्टोज शुगर इज कन्वर्टेड इंटू लैक्टिक एसिड, एंड दैट लैक्टिक एसिड कोगुलेट मिल्क प्रोटीन विच इज़ कैसिन, एंड दिस कोगुलेटेड मिल्क प्रोटीन फॉर्म दी कर्ड। क्या बना लिया? कर्ड बना लिया। इसी तरीके से जो एसिडिक बैक्टीरिया होता है वो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक बैक्टीरिया एसिटिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड का फॉर्मेशन करता है। पहले वो लैक्टिक एसिड बनाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स में जो कर्ड बनता है हमारा, वो किस तरीके से बनता है। ऐसे ही बटर और चीज़ में जो है बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल होता है। यही जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसी तरीके से ये इकोनॉमी में हमारी में बहुत सहायता करता है, इसीलिए इसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर कंसीडर किया गया है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम फाइबर की बात करें, तो फाइबर्स के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो फाइबर्स बनते हैं, जो फाइबर्स बैक्टीरिया की हेल्प से बनते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो हार्ड होते हैं। यानी कि टफ फाइबर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं, जैसे जो रोप बनती हैं, लिनन फाइबर्स बनते हैं, ये सारे किन से बनते हैं? बैक्टीरिया से बनते हैं। और ये सभी फाइबर्स जो होते हैं ये टफ फाइबर्स होते हैं। अगर बात करी जाए कि ये जो
लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होता है बैक्टीरिया के थ्रू, ये लैक्टिक एसिड टैनिंग इंडस्ट्रीज में हेल्प करता है। और जो ये सिट्रिक एसिड जो बैक्टीरिया बनाता है, वो जो बेवरेजेस होते हैं यानी कि ड्रिंक्स होती हैं हमारी, उन ड्रिंक्स के अंदर जो फ्लेवर होता है और जो एक टेस्ट होता है, उसको ये सिट्रिक एसिड के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनमें लेके आते हैं। स्वीट्स के अंदर भी इस तरीके के जो फ्लेवर, उसके स्वीट्स के अंदर जो फ्लेवर होता है और एक अलग स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, उसको सिट्रिक एसिड के थ्रू ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो अगर हम इंडस्ट्री के अंदर आगे बात करें विटामिंस की, तो मैं बताती हूँ कि विटामिंस के अंदर किस तरीके से रोल प्ले होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में विटामिंस की बात करी जाए, तो विटामिंस में विटामिन बी जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च। जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्राइडियम होता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया फर्मेंट करता है शुगर और स्टार्च को किसके अंदर, विटामिन बी के अंदर। जो विटामिन बी होता है वो फर्मेंटेड फॉर्म होता है शुगर और स्टार्च का, ठीक है। उसके बाद अगर एसीटोन की बात करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो कि किसके अंदर यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, किसको, एसीटोन को। तो इसके साथ में इंडस्ट्रीज़ के जो रोल हैं बैक्टीरिया के इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसन। मेडिसिन के अंदर बैक्टीरिया का क्या रोल है, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। तो अगर रोल ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन की बात करी जाए, तो इसमें सबसे मतलब क्या दिया गया है, सीरम और वैक्सीन की प्रिपरेशन कैसे होती है। अगर सीरम की बात करी जाए, सीरम क्या होती है, सीरम जो होती है व्हेन पर्सन एक्चुअली सफर्स फ्रॉम अ डिसीज। अगर कोई इंसान किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए सीरम दी जाती है, और वो सीरम तुरंत जो है उस डिसीज़ के ऊपर अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि डिफ्थेरिया है, लॉग जो है, निमोनिया है, इन ये सडन डिसीज़ होती हैं, और इन सडन डिसीज़ के लिए ये सडन सीरम दी जाती है, जिससे कि तुरंत असर दिखने को मिले। वहीं वैक्सीन की बात करी जाए, तो वैक्सीन जो होती है वो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देती है पर्टिकुलर सामने वाले पर्सन को उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। तो जब एक बार वो कोई बीमारी उसको हो जाती है, तो उसके बाद अगर उसको वैक्सीन लग जाती है, मतलब अगर वैक्सीन लग गई है, तो एक बार अगर कोई बीमारी उसको हुई, तो उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं वो उसको मेमोराइज करती हैं। मेमोराइज करके रखने के अंतर्गत उसके एंटीजन को वो पता लगा देती हैं, और आगे फर्दर उस डिसीज़ को होने से रोक लेती हैं। ऐसे उसको प्रोसेस को हम वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन जो है वो पीपल को इम्यून करती है पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, और सीरम जो है वो डायरेक्ट दी जाती है सफर्स पर्सन को, जो किसी भी डिसीज़ से सफ़र हो रहे हैं उनको। जैसे कि अगर वैक्सीन की बात की जाए, तो जैसे स्मॉल पॉक्स होती है, माता होती है, उसका जब टीका एक बार लग जाता है, तो इंसान को एक बार माता होने के बाद में बहुत रेयरली दोबारा हो पाती है। कोलेरा है, टाइफाइड है, इस तरीके से और भी बीमारियाँ जिनके लिए वैक्सीन तैयार हो गई हैं। एक्चुअली जो हमारी वायरस होता है, वायरल डिसीजेज जितनी भी होती हैं, इनके लिए तो वैक्सीन ही काम करती है, सीरम काम नहीं करती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि मेडिसिन का जो रोल है बैक्टीरिया के थ्रू, वो काफ़ी बड़ा है। अगर सीरम की बात कर रही है, सीरम एक्चुअली प्रिपेयर कैसे की जाती है, बैक्टीरियल टॉक्सिन को किसी भी जैसे कि हॉर्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और वो क्या कर देते हैं, वही फिर आगे जो फर्दर बैक्टीरियल डिसीज़ अगर होने वाली होती हैं, तो उससे क्या करता है, सेव कर लेता है। इस तरीके से रोल ऑफ मेडिसिन जो है किसके अंदर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर ख़त्म होता है। और इसी के साथ जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का जो टॉपिक है वो भी फिनिश होता है। तो इसी के साथ मैं आज आपके लिए ये चैप्टर ख़त्म करती हूँ, मतलब ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का जो टॉपिक है वो फिनिश करती हूँ। थैंक यू।